टेरर फंडिंग और देश विरोधी साजिशों के आरोपों से घिरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई के खिलाफ बैन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की सरकार ने बैन लगाने की सिफारिश की थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई के एंटी हिंदू एजेंडा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के 17 राज्यों में एक्टिव पीएफआई के खिलाफ हत्या, हिंसा और आतंकवाद जैसे 1300 केस दर्ज हैं। केरल से तेलंगाना तक कई आर्म्स ट्रेनिंग कैंप मिलने का दावा किया गया है। इन कैंपों में गरीब मुस्लिम युवाओं को एंटी हिंदू बनाया जाता था। पीएफआई के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में कई ऐसे सबूत मिले हैं। जांच में पाया गया है कि पीएफआई कार्यकर्ता हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई पर गैर मुस्लिम वर्ग के संगठनों से जुड़े लोगों की हत्या के भी आरोप लगे हैं। पीएफआई देश के संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं करता। पीएफआई के कई खतरनाक आतंकी संगठनों से कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। पीएफआई के लिंक ग्लोबल टेररिस्ट संगठन ISIS और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहे हैं। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि देश में उग्रवाद कट्टरता को बढ़ावा देता था पीएफआई। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है पीएफआई। पीएफआई पर बैन के बाद पुणे में राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने लोगों को लड्डू बांटकर जश्न मनाया। पीएफआई पर बैन की खुशी जाहिर करने के लिए MNS कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। उधर बैन लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र के नेवी में पीएफआई के कार्यालय से उसका बोर्ड हटा दिया गया। पीएफआई पर बैन लगाने के फैसले का मुस्लिम संगठनों ने भी स्वागत किया है। RSS के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि भारत में कट्टरपंथी ताकतें नहीं रह सकती। इंदौर में चिन्हित किए गए पीएफआई के 75 कार्यकर्ता खुफिया विंग की रडार पर है। जरूरत पड़ने पर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कुछ गिरफ्तार लोगों के खाते में खरगोन दंगे के अलावा CAA और NRC विरोधी प्रदर्शन के वक्त केरल से फंड भी आया था। पीएफआई कैडर पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई RSS नेताओं की हत्या के आरोप हैं। NIA ने पीएफआई से जुड़े कई बैंक अकाउंट सील किए हैं, जिसमें ट्रेनिंग कैंप के लिए विदेशों से करोड़ों की रकम ट्रांसफर हुई। इस बीच बैन के बाद पीएफआई के प्रवक्ता ने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बदलकर मीडिया अपडेट कर दिया है। पीएफआई के समर्थक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पीएफआई पर 5 साल के बैन को अघोषित इमरजेंसी करार दिया। SDPI ने बयान जारी कर कहा कि सरकार की निर्ममता की वजह से पीएफआई और उससे जुड़े लोगों को छापेमारी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा।